क्या होता है? C6H6 होता है न, तो को, जब भी किसी चीज से तो हम इसको क्या लिखेंगे इसने अपना एक हाइड्रोजन जो है वो खो दिया तो सी सिक्स एच फाइव एंड देन दिस इज सी एच थ्रीट इज बॉन्डेड

पुश करते हैं सो so, बेसिकली ये CH3 क्या करेगा ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पायरिंग की तरफ पुश करेगा दिस अल्काइल इज गोइंग टू पुश इट्स ओन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द पाई रिंग और उसकी वजह से क्या होगा ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगी दिस विल बिकम मोर एक्टिव व्हाट डू वी मीन बाय मोर एक्टिव अब ये माइल्डर कंडीशंस पे या ये ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको दे देगी

बेंजीन uh, बेंजीन या एनी अल्काइल अल्काइल ये बात समझ में आई ग्रुप्स विल पुश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेक इट मोर एक्टिव ज्यादा स्टेबल नहीं होगी रिंग uh, ज्यादा तो हो रिंग बट एक्टिव भी तो ज्यादा हो गई क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे जो छह पाए इलेक्ट्रॉन है ठीक है अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी भी पोस्ट करेगा इधर तो क्या होगा यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी राइट दे विल स्टार्ट फीलिंग रिपल्जन तो कोई भी न्यूक्लियो आता है अगर यहाँ पे में सो अच्छा रिपीट कर दोबारा से भाई देखो इस पायरिंग में क्या है इस पायरिंग में छह पाए इलेक्ट्रॉन है अल्काइल ग्रुप क्या करता है अल्काइल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोस्ट कर देता है टूवर्ड्स दी पायरिंग इट पोशिज इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स द

अब वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी से ज्यादा आराम से किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को दे सकती है Is this clear? अच्छा, बेंजीन बेंजीन जो हमने के ही डिस्कस करे हैं, हैं उन्हीं को देखते हैं कि अब मिथाइल बेंजीन में वो क्या अब उस मीथाइल ऐड करने से क्या फर्क आएगा ठीक है so, मुझे करनी हो यानी मुझे अगर NO2 ग्रुप ऐड करना हो तो कौन कौन से रिएजेंट्स थे डू रिमेंबर दिस

क्यों नहीं चाहिए बिकॉज अब ये जो बेनजीन रिंग है ये ज्यादा एक्टिव हो चुकी है तो नाउ इट नॉट नीड एज हाई ऑफ अ एजरेचर ये थर्टी डिग्री सेल्सियस पे भी क्या कर देगी ये आपको नाइट्रेशन करके दिखा देगी इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ करके दिखा देगी ठीक है नी नाउ दूसरा बड़ी जो तो चेंज आती है इधर वो ये आती है कि हमने क्या देखा था कि 55 डिग्री सेल्सियस पे यू ओनली गॉट वन सब्सिट्यूशन राइट 55 डिग्री सेल्सियस पे आपको सिर्फ एक सब्सिटूट मिलती थी

ठीक है, सो so, दूसरा प्रूफ क्या है कि ये ज्यादा एक्टिव हो चुकी है नॉर्मली बेंजीन सिर्फ एक एनोटू ग्रुप करेगा एंड टेम्परेचर तब वो फर्दर सब्सूशन दिखाता है Whereas, normally, जब हम को को ये वाला इस इस reaction के तो वॉट गोइंग टू कि साइमल्टेनियसली एक NO2 टू सेकेंड पोजिशन पे लग जाएगा वन NO2 टू जॉइंट एट द सेकेंड पोजिशन एंड वन एन ओ टू ज्वाइंट एट दी फोर्थ पोजिशन साइमल्टेनियसली दोनों काम एक साथ होंगे और ये फिफ्टी फिफ्टी परसेंट पेशो में बनेंगे ठीक uh... uh... तो है अच्छा तो यह बन गया एंड ऑब्वियसली अगर टू एनओ टू पॉजिटिव अगर एक जगह इधर सब्साइए तो दो एच प्लस भी रिलीज होंगे सो बेसिकली दिस इज जस्ट सिंपली ठीक है यह कोई रिएक्शन आपको याद नहीं करना सिर्फ ये समझ लो कि क्या

Yes, always 50 ratio. ये दोनों equal ratio में आपके पास बनेंगे, ठीक है? Dilute NO2 भी कर सकते हैं, नहीं तो जी, इसमें नहीं होगा डायल्यूट कहीं और होगा वो हम देखेंगे जब और मजीद एक्टिव हो जाएगी हमारी चीज ये समझ में आया सबको जस्ट दैट डिफरेंट इट्स हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉमजीन ठीक है टेम्परेचर कम और साइमेटेनियसली दो सब्सिट्यूशन हो गई अच्छा कैन यू नेम दिस फॉर मी इसको क्या हम नाम क्या बोलेंगे इसको द वे आई एम गोइंग टू नेम इट दिस टाइम अराउंड इज जस्ट सिंपली टू नाइट्रो मिथाइल बेंजीन ठीक है सो मिथाइल बेंजीन एक तरीके से समझ लो दिस इज ए सेपरेट फंक्शनल ग्रुप ठीक है ये एक सेपरेट फंक्शनल ग्रुप आ गया आपको तो हम इसको ज्यादातर मिला के रखते हैं Benzene, और अगर इससे देखोगे सो ये वन टू देर फोर ये टू बेंजीन हो गया कैन यू नेम दिस नाउ इसको क्या नाम बोलेंगे हम नाइट्रो बेंजीन होगा बस हमें टू की जगह कौन सा नंबर लिखना होगा हमें लिखना होगा फोर राइट सो वी जस्ट राइट फोर नाइट्रो मीथाइल ठीक हो गया अच्छा जी नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स

कौन कौन से रिएजेंट्स थे? अगर मुझे ब्रोमीन ऐड ऐड करना करना है करना है, so, है, या क्लोरीन हमारा कैटलिस्ट जो वो क्या था? The catalyst was or -CR, uh, CR yes, correct. और फिर इसके अलावा क्या करना पड़ेगा या फिर Once again, ये क्या है दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन

क्या कहते हैं एक्टिव तो वंस अगेन दो बी आर पॉजिटिव एक चला जाएगा टू पोजीशन पे फिफ्टी परसेंट यह प्रोडक्ट होगी एंड देन दूसरा वाला फोर्थ पोजीशन पे जुड़ जाएगा और ये ये भी फिफ्टी परसेंट uh, जो है वो प्रोडक्ट होगी ठीक है जब दो बी आर जो है वो जुड़ेंगे इधर तो ऑब्वियसली दो एच प्लस रिलीज भी होंगे सो यू विल गेट दिस यू विल रिलीज टू एच प्लस ठीक है एंड जो है अब थोड़ी और चीजें इसमें देख लेते हैं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे कैन यू गेस द नेमिंग फॉर दिस हाउ वुड आई नेम दिस मिथाइल बेंजीन को एज अ फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करना और फिर उसके आगे जो भी चीज है वो लगा दो सो दिस शैल बी टू ब्रोमो मिथाइल बेंजीन राइट एंड देन द अदर वन इज जस्ट गोइंग टू बी

Uh, बस नहीं रुक जाओ सेवन फिफ्टीन पे कहा था हाँ ठीक है इतनी क्लास हो चुकी है ओके पीएसएल देख लेना रुक जाओ पीएसएल इस क्रिकेट पीएसएल इवन फन आई डोंट नो मैं तो दो साल पहले छोड़ गया था देखना आई डोंट एंजॉय पीएसएल अब इतना खैर अच्छा दूसरी बात एक और बात यहाँ पे समझ लें ठीक व्हेन यू आर डूइंग दिस रिएक्शन ठीक है सो रिमेंबर

पक्की बात है एनी इश्यूज